अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पास्ता। ये हमने लिया है बिकानो का पास्ता 250 ग्राम्स, जिसे हमने लग दिया है उबालने के लिए। अभी 10 से 15 मिनट में उबल जाएगा। चलिए आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारे पास्ता जो है उबल हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच ऑयल और इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। और साथ ही साथ यहाँ हमने लिए एक कटोरी मटर, ये गाजर ली हमने जिसे हमने चॉप कर लिया है चॉपर में, और एक प्याज इसे हमने मोटा मोटा काट लिया है। अब हम सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और गाइस ये जो मटर है इन्हें हमने पहले से बॉईल करके रख लिया था। तो दोस्तों हमने डाल दिया है कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल। अभी जो सारी वेजीज हैं हम इसे डाल के अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। डाल देते हैं अपने मटर को, इन सारी वेजीज को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। दोस्तों देखिए हमारी वेजीज को फ्राई होते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें ब्रोकली और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें गाजर और मटर ज्यादा पसंद है तो इसलिए हमने वही डाला है। तो दोस्तों सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये 2 चम्मच पास्ता मसाला मैगी का। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसे हम चला लेंगे अब 2 मिनट के लिए। और मसाला अच्छे से मिल चुका है गाइस। अब हमें इसमें अपना पास्ता ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस देखिए पास्ता हमारा कितना खिला खिला बन चुका है और इसमें सारा मसाला भी अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। और इसे एक बार और अच्छे से चला देंगे और फिर ये एकदम रेडी है और हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पास्ता बनके एकदम तैयार है। आप इसे सॉस और मेयोनीज के साथ खाइए, और भी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।